मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पूर्व में केंद्रीय कर एवं वाणिज्य मंत्री के पद पर रहकर चीन भारत आयात निर्यात पर भारी टैक्स की कमी करने से देश में चाइना का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण चाइना आर्थिक मजबूत हो रहा है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी मंडलों तक और जिन 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख हाट बाजार प्रमुख गांव तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया, जिसके चलते आज खंडवा जिले के मुंदी नगर में भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने आज इस कार्यक्रम के तहत बस स्टैंड के माता चौक तक पैदल रैली निकाली गई, जिसमें भारत माता की जय घोष के साथ चीनी के दलाल कमलनाथ सरकार और देश के गद्दार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतले का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, सांसद प्रतिनिधि गोविंद सिंह तोमर, सखाराम यादव, नीलेश राठौर सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। उस पे जो टैक्स लगता है, जो करें लगती थी, उन करों को बहुत बड़ी तादाद में कम करते हुए चीन जैसा हमारा विरोधी राष्ट्र जो देश दुनिया पे अपनी धाक जमाना चाहता है, उसको आर्थिक रूप से चीन मजबूत कैसा हो, राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों अरबों रुपए की उनने लेन देन चीन जैसे गद्दार देश से किया, जिसके कारण भारत में चीन का आयात बढ़ा और भारत के मध्यम व्यवसायी लघु कुटीर चलाने वाले छोटे छोटे हाथ से खिलौने बनाने वाले मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और कई हमारे भारत के निवासी जो अपनी रोजी रोटी कमाते थे उन पे कमलनाथ ने चीन से आयात पर टैक्स कम करके उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा करा और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गड़बड़ाने का काम करा। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनकी हम उन कृत्यों की घोर निंदा करते हैं और आज पूरे मध्य प्रदेश भर में प्रत्येक हमारे मंडल मुख्यालय पर कमलनाथ का हम आज पुतला दहन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रत्येक भारतवासी से निवेदन करूंगा कि चीन ने जो हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे सैनिकों के साथ में कायराना हरकत कर रहा है, ऐसे चीन को वहाँ की वस्तुओं का हम बहिष्कार करते हुए, वहाँ की बनी हुई वस्तुओं को हम हमारे देश में उपयोग न करते हुए चीन का हम बहिष्कार कर रहे हैं। और कमलनाथ जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने जो टैक्सों में छूट दी थी, इस कारण हम आज उनके उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं, साथ ही उनका पुतला दहन करते हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश का गद्दार कमलनाथ, कमलनाथ, चीन का दलाल कमलनाथ, कमलनाथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।